के अमृत महोत्सव के अवसर पर माजी वायु सैनिक कल्याण संघटना नागपुर तथा अमर जवान स्मारक समिति की ओर से 11 अगस्त से 15 अगस्त तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल 11 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अमर जवान स्मारक अजनी चौक में रक्षाबंधन सैनिकों के संघ का आयोजन किया गया था। इस वर्ष पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। नागपुर शहर में भी बड़े उत्साह के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कल शहर में रक्षाबंधन के अवसर पर रक्षाबंधन सैनिकों के संघ का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई और हमारे संरक्षक पुलिस कर्मियों को राखियां बांधी। इसी प्रकार 15 अगस्त तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज यानी 12 अगस्त को शाम 6 से 8:30 तक एक शाम शहीदों के नाम नामक देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे भास्कर वाघुले एंटरटेनमेंट्स की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। 13 अगस्त शाम 6 से 8 बजे तक शहर में प्रसिद्ध शिव गर्जना ढोल ताशा पथक की प्रस्तुति होगी। 14 अगस्त को शाम 6 से 7 बजे तक एकता लेझिम पथक की प्रस्तुति होगी और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 10 से 12 बजे तक झंडा वंदन तथा स्वरमेवा नागपुर की ओर से देशभक्ति गीतों के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अनुभव म्हणताना आम्ही आता आर्मीमध्ये एवढ्या दिवस सर्व्हिस केलेली आहे, पण जेवढा आनंद आज आम्हाला इथे प्रतीत होत आहे हा आजपर्यंत आम्हाला झालेला नाही। आमच्या रक्ताच्या नात्या नाही, पण एक बंधनाचं जे नातं असतं त्या नात्याने आज आम्हाला अगदी गैरवरून आलेलं आहे आणि हे आम्हाला सांगताना आमच्या शब्दात व्यक्त करू शकत नाही। ह्या आमच्या बहिणी आहेत, त्यांनी आज आम्हाला राखी बांधली। हा अचूक आमच्या जीवनातला प्रसंग आहे आणि हा आम्ही मिस केलेला नाही याचा आम्हाला अभिमान आहे। आम्ही दरवर्षीच आपण रक्षाबंधन घरी साजरा करत असतो, पण हा सैनिकांसोबत विशेष आम्हाला आनंद मिळाला रक्षाबंधन साजरा करण्याचा। आणि आमची युवा ही संघटना मागच्या वर्षीसुद्धा आम्ही हा कार्यक्रम घेतला होता रक्षाबंधनाचा। जे सैनिक आपल्या घरी रक्षाबंधनाला येऊ शकत नाही तर त्यांना राखीचं आम्हाला खूप म्हणजे वाईट वाटतं बहिणींना की आपला भाऊ येऊ शकत नाही, त्यामुळे सैनिकांना राखी बांधणं हे खूप विशेष होतं आमच्यासाठी। आज खूप छान वाटलं मला, कधी बघितलं नाही नव्हतं की ते येऊ शकत नाही, हे दुःख मला समजलं नव्हतं, पण आज समजलं, डोळ्यात पाणी आला। खरंच खूपच वेगळा एक्सपिरियन्स होता आजपर्यंत, असं म्हणजे खरंच करायला नाही मिळालं, एकदम असं नवीन होतं, तर म्हणून खूप जास्त आनंद झाला। आणि ही अपॉर्च्युनिटी मिळणं ही आमचं ऑनर आहे आणि याच्यासाठी आम्ही थँक्यू म्हणतो। आम्ही मीन्स बहुत वी वर व्हेरी हॅपी अँड वी आर व्हेरी हॅपी दॅट वी गॉट दिस अपॉर्च्युनिटी टू डू दिस आणि हमारे स्कूल के पास हुआ तो बहुत खुशी होईल। काय नेमकं म्हणजे कसं ते खूप वेगळं झालं, कारण की मी आतापर्यंत कधी सैनिकाला पोलिसला कधी बांधली नाही, फक्त कधी कधी आपल्या भाऊला बांधून टाकले, कधी आम्ही असं कॉन्टॅक्टमध्ये नाही राहत, पण माझे ते ना मामाचे भोर आहेत आम्ही ते सगळं खूप वेगळा एक्सपिरियन्स झाला आहे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.